माननीय मुख्य अतिथि जी को परेड निरीक्षण के लिए और जानदार सफर तय करते हुए बहुत ऊंचे पायदान पर पहुंच गए हैं। शिक्षा महिला पुलिस की टुकड़ी जिसकी कमांड कर रहे हैं एसआई सुदेश कुमारी, होमगार्ड की टुकड़ी प्लाटून कमांडर एसआई प्रताप सिंह, एनसीसी आर्मी डिवीजन लड़कों की टुकड़ी अंडर ऑफिसर रविंदर सिंह, एनसीसी आर्मी डिवीजन लड़कियों की टुकड़ी जिसकी देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, यह गाथा है गौरवशाली इतिहास में। समस्त परेड कमांडर ने विश्राम का भाषण दिया। समस्त परेड कमांडर से वतन के जा निसार है, नहीं है अपना पास कुछ वतन के पासदार है, तेरे जुलम की हस्ती को आजादी मिटा देंगे, सुबह से जो निकालेंगे वो करके हम दिखा देंगे। और सभी टुकड़िया तेरों के कुछ काल में शादी मत से गुजरते हुए हरियाणा पुलिस की टुकड़ी और उसके बाद में हरियाणा पुलिस पुरुषों की दूसरी टुकड़ी, महिला पुलिस की टुकड़ी, होमगार्ड की टुकड़ी के बाद एनसीसी सीनियर डिवीजन लड़कों की टुकड़ी और उसके बाद सदे हुए कदमों के साथ देश की बेटियों का पराक्रम। फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया, आज कल्चरल प्रोग्राम परेड शहीद स्मारक पे जाते हैं, जैसे जो भी प्रोटोकॉल होता है एसपी साहब जिला प्रशासन की तैयारियों का हमने मुआयना किया है। आपने देखा होगा कुछ रिव्यूज़ बड़े अच्छे रहे हैं, आपने देखा कल्चरल प्रोग्राम थोड़ा कोविड की वजह से हमने वैसे कल्चरल प्रोग्राम किए हैं जिसमें बच्चे ज़्यादा नज़दीक ना जाएं, जहां पॉसिबल हुआ मास्क के लिए भी छोटे बच्चे हैं, जैसे गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है 11 साल से नीचे मास्क की ज़रूरत नहीं है। परेड का मुझे अच्छी तैयारी लग रही है, अब की बारी हमारे नए आईपीएस ऑफिसर आए हैं, उन्होंने परेड कमांडर भी अच्छा बिल्कुल फुल प्रोटोकॉल से हुआ है। मौसम का अगर अच्छा रहा तो हम यहीं पर करेंगे, अगर कोई तब्दीली हुई कोई बारिश का मौसम हुआ तो फिर हम मंडी में व्यवस्थाएँ करेंगे। इसके लिए जो वीआईपी आएंगे हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं श्री अनूप धानक जी, उनसे बात करेंगे आज और उनको पूरे प्रोग्राम के बारे में बताएंगे और बाकी जो रिव्यूज़ हैं वो हम फाइनलाइज कर देंगे आज। सर जैसे हमने भी देखा साउंड सिस्टम को लेकर कुछ कमियां भी पाई गई, वो साउंड सिस्टम वो डीपीआर साहब से डिस्कस हो गया है और अभी हम इसके लिए जो भी करेक्टिव मेजर होंगे वो हम कर देंगे। सर जैसे 26 जनवरी मतलब वो गैदरिंग कितनी रहेगी 26 जनवरी? देखिए गैदरिंग तो हम तो हमने जो लाइव प्रसारण भी कर रहे हैं हम तो हम यहाँ पर कम ही रखेंगे, तकरीबन 100-200 लोगों का इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो लोग हैं उस पर जो आप लाइव दिखाएंगे आपकी मदद से हम लाइव दिखाएंगे लोगों को, बिल्कुल हम स्क्रीन्स लगाएंगे, वो DITS से मैंने फाइनलाइज पहले कर दिया था, उसकी व्यवस्था कर दी गई है। धन्यवाद सर। 26 जनवरी को लेकर जैसे सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम मतलब पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं? हाँ, पुलिस की जो हमारी चेकिंग होती है IBA और CID के साथ मिलके वो हमने शुरू करा दी थी पिछले हफ्ते से, वो लगातार जारी है, उसमें होटलों आदि की चेकिंग वो चल रही है। उसके साथ साथ जो हमारे जो भी वेन्यू है जो रूट रहेगा वहाँ पे सभी सुरक्षा बल मौजूद रहेंगे, करीब 400 के करीब हमारी जो टोटल फोर्स है वो डिप्लॉयड रहेगी और सुरक्षा के सारे इंतजाम हमारे पूरे हैं। अब मतलब 26 जनवरी से पहले सभी जगह चेकिंग अभियान जारी रहेगा? हाँ, चेकिंग अभियान जारी है और पीछे भी आपने देखा भी होगा हमारा लगातार जारी है, साथ ही साथ नाइट डोमिनेशन भी होगा ताकि रात में भी कोई भी संदिग्ध व्यक्ति का मूवमेंट हो तो उसको हम डिटर कर सकें। इसके लिए कुछ सर स्पेशल टीमें भी लगाई गई? हमने जो टीमें जो हमारी जो पुलिस प्रेजेंस डे है जो अभी 22 तारीख को मनाया गया था और वो कल भी करवाया जाएगा, तो दिन भर भी चेकिंग रहेगी, रात में नाइट डोमिनेशन हमारी जो स्पेशल टीमें हैं पेट्रोलिंग टीम्स वो रात भर उसको चेकिंग में लगी रहेंगी।